हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सोनी बीड़ा वाला आईसी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग एक और दो की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन ये काउंसलिंग ऐसा लगता है जैसे कि एक सब्जेक्ट के लिए ही हो रही है, मुख्य तौर पर वर्ग दो के लिए। वर्ग एक में तो चलो ठीक है, ठीक ठाक पोस्ट हैं, लेकिन वर्ग दो में जो रिजल्ट आया है और उसके बाद में जब वो पोस्ट शिक्षा विभाग ने दी हैं, तो वो उनकी स्थिति इतनी निराशाजनक है, इतनी हताशापूर्ण है और इतनी ही मानसिक असंतुलन को बिगाड़ने वाली है जिसकी कोई हद नहीं है। आप ये मान के चलिए कि साइंस में मात्र 50 पोस्ट एग्ज़ाम दिया 2.5 लाख ने, सोशल साइंस में 60 पोस्ट एग्ज़ाम दिया 3.5-4 लाख ने, हिंदी में मात्र 100 पोस्ट, यहाँ भी लाखों में विद्यार्थी रहे, और उर्दू में मात्र 18 पोस्ट। अब दोस्तों बताइए कि लाखों रुपए लोगों ने खर्च किए हैं, काफ़ी फीस भी दी, काफ़ी तैयारियां भी करी, दिन रात एक किया। कई लोगों जो प्राइवेट सर्विस करते थे उन्होंने अपनी सर्विस छोड़ी कि चलो भाई गवर्नमेंट सर्विस में आ जाएंगे, शिक्षक बनने का सपना उनका पूरा हो जाएगा, लेकिन अंततः उनको निराशा ही हाथ लगी। इस सरकार के द्वारा कुछ भी उनको पॉजिटिवली नहीं दिया गया। ये तो स्टार्टिंग से ही समझ में आ रहा था कि साइंस और सोशल साइंस की पोस्ट कम निकलने वाली हैं, क्योंकि इनको चौथे और पांचवें नंबर पर आरटीई एक्ट में जैसा कि लिखा हुआ है उस प्रकार से रखा गया है। हालांकि आरटीई एक्ट में तो इसको एक नंबर पे माना है, साइंस और मैथ को, लेकिन इन्होंने उसको अपने तरीके से रूल्स बना करके, शिक्षा जो संस्थान है उन्होंने अपना रूल्स बनाया और उसको जो है पांचवें नंबर पर शिफ्ट कर दिया। अब इसका नुकसान ये हुआ कि पांचवें नंबर पर आने पर उनकी सीट्स, उनकी पोस्ट रह गई मात्र 50। हालांकि और ये सब बिल्कुल गलत है, पोस्ट तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अतिथि शिक्षक काफ़ी संख्या में रखे गए थे, हजारों की संख्या में रखे गए थे, लेकिन पोस्ट बहुत कम निकाली गई। अब हृदय विदारक स्थिति ये आती है कि लोग एक दूसरे से आपस में ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, बात करते करते तक आंखों में से आंसू आ जाते हैं, उनका रोना निकल जाता है, रोना आ जाता है, इतना दर्द अंदर छुपा हुआ है, इतनी परेशानी छुपी हुई है, सबके परिवार बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें बिल्कुल थोड़ा सा संयम से काम लेना है और सभी को एकजुट होकर के इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। अब साइंस सब्जेक्ट वालों ने इसको पहले ही समझ लिया था, और उसमें जो सुशील मेहरा हैं उन्होंने तो कोर्ट में, और भी साथी लोग थे हमारे, उन लोगों ने मिलकर के कोर्ट में जो है याचिका लगा दी थी कि भाई जो है आरटी एक्ट के अनुसार साइंस सब्जेक्ट की भर्ती नहीं की जा रही है, तो उसको जो है आप उस नियम को ठीक करें और उनको आप गवर्नमेंट को जो सलाह दें कि जो उसको नियम से भर्ती की जाए। लेकिन उसके बाद भी उसका कोई परिणाम नहीं निकला, वो केस अभी भी पेंडिंग ही चल रहा है। रही सोशल साइंस वालों की बात, तो उनको लग रहा था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट 1000 के लगभग पोस्ट तो आएंगी, लेकिन वहाँ भी अत्यंत ही निराशाजनक स्थिति रही, मात्र 60 पोस्ट निकली हैं, कई संभाग में, कई जिलों में तो बिल्कुल जीरो स्थिति है। अतिथि शिक्षक भी निराश हैं, उनको सोचा कि 10% आरक्षण मिल, 25% आरक्षण मिल जाएगा तो वो भी शिक्षक बन जाएंगे। काफ़ी सालों से, 12-13 साल से जो है सर स्कूलों में बहुत कम सैलरी पर काम कर रहे हैं, बहुत कम तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा एक अच्छी जीवन शैली, अच्छी लिविंग उनको मिलेगी, लेकिन वो उसका उल्टा ही हो गया। सिलेक्शन होने की जगह उनका और वापस रिजेक्शन कर दिया गया और उनको बाहर कर दिया गया। अब बात करते हैं हम कि नेताओं से बात की, सब किया, लेकिन जो जवाब सामने आए हैं वो कुछ इस प्रकार रहे। देखिए, ये वीडियो क्लिपिंग में दिखाता हूँ, जहाँ पर नेता और हमारे जो जो हमारे साथी हैं वो ज्ञापन देते समय उनसे क्या बात हो रही है वो आप सुने। ये रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसे आप देख सकते हैं। बताइए, आपने 60 पद दिए सोशल साइंस में, 60 पद दिए मेरे इतने छोटे छोटे बच्चों ले आके, मैं रोज मैंने रिकॉर्ड कितने पद बनाओ। चलो ठीक है, थोड़ा सा हमारे कृषि के पद 5 में स्वीकृत है। जी सर, उसके बाद सर इसमें हमारे में प्रमोशन होते नहीं है, उसके बाद सर निकालेंगे भाई। समस्त विषय के जो पद है उनमें बराबरी की जाए, समस्त विषय नहीं। आपका हो गया अतिथि, हर विषय के रखने ले लें इनको, चारों शिक्षक अतिथि हैं जो कार्य कर रहे हैं, तो अभी आगे
समझाया जा रहा है कि भाई आप पोस्ट में जो है इक्विलिटी लाएं, जिससे कि सभी को मौके मिल सकें, कुछ मिनिमम पोस्ट सभी सब्जेक्ट में फिक्स कर दें और उसके बाद में आपको जो भी ऊपर पोस्ट करना है उसको कर दें, उसमें शामिल कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। और आप ये देखें कि भाई व्यक्ति जो है बात नहीं कर पा रहा है। अभी मैं एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जिसमें जो है एक हमारे साथी हैं, वो बात करते करते अचानक रो पड़े, इतना दर्द उनकी उससे निकल आया। उन्होंने मंत्री जी से बात की है, आइए मैं उनको सुनवाता हूँ। सौरभ नाम है इनका, देखिए ये रिकॉर्डिंग है, इसको आप सुने। हेलो भैया, बात करवा दीजिए माननीय मंत्री जी से। कौन सा आप बोल रहे हैं? वो अभी आपने बोला जी, अभी आधे घंटे का बोला था आपने, राजसेन से। जी जी, पूरा नाम क्या लिखते हैं सर? सर श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव। हाँ जी, एक मिनट थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, एक मिनट लाइन पर। हेलो जी जी, हाँ कराता हूँ। ठीक है, वेट कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट वेट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत। सौरभ श्रीवास्तव जी है सर, राजेंद्र। चलो सौरभ श्रीवास्तव। हेलो सर, नमस्कार सर, माननीय मंत्री जी को नमस्कार। हाँ जी नमस्ते सर। माननीय मंत्री जी, माध्यमिक शिक्षक भर्ती के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाह रहा था आपसे। जी, 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 सर ये हमारे साथ सर क्या अन्याय हुआ है सर, ये कितना उम्मीद पास जी सर क्या सर, ये माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में सर जो पद आए हैं, इसमें सर हम लोगों के साथ ये क्या है सर? सामाजिक विज्ञान में 60 पद दिए हैं, हिंदी में 100 पद दिए हैं, उर्दू में 18 पद दिए हैं, विज्ञान में 50 पद दिए हैं सर, पूरे पद जितने पद है सर पूरे इंग्लिश को दे दी गए सर, इतना अन्याय कि ये कहाँ का न्याय है सर हमारे साथ? इंग्लिश को नहीं यार, वो प्रोफेशन में करे होंगे, मैंने आज ही कमिश्नर से बात की है जी, प्रोफेशन निकाल के दे रहे हैं जी, जिसके जितने पद होंगे उसके हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से दिए होंगे। नहीं 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 सर, किसी के 10,000 है तो उसको मान लो अगर 10% भर रहे हैं तो 1,000 देंगे, किसी के 5,000 हैं तो 10% भर रहे हैं तो उसको मतलब जो भी एग्जैक्ट तो फिगर मुझे नहीं मालूम अभी सर। एग्जिट फिगर ये है सर कि सामाजिक विज्ञान जो पद है आरटी नॉर्म्स में 3rd नंबर पे कंपलसरी सब्जेक्ट है, और आपको मैं बता दूं पद वैकेंट होंगे उतनी तो भर्ती करेंगे सर। मैं आपको बता दूं नवंबर में 3650 नंबर लेटर है, शिक्षा विभाग ने निकाला था कि सामाजिक विज्ञान के 3313 स्टूडेंट पद खाली हैं, तो ऐसा हाँ। एक महीने में क्या हो गया कि ना कोई ट्रांसफर हुआ है पिछले एक महीने में ना कुछ हुआ है, तो एक महीने में क्या हो गया कि 3300 पूरे के पूरे पद भर गए हैं, कहाँ से भर गए सर? चलो मैं परीक्षण कर सर, ये हम लोगों के साथ बहुत अन्याय है सर, हम लोग ने पूरा नौकरी छोड़ दिया, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं सर, पूरे युवाओं में रोष भी आपसे प्रदेश में सर, प्रदेश में रोष भी आपसे पूरे युवाओं में सर, क्या है सर 60 पद 100 पद सर ये क्या है सर, आप ही सर बताएं। आप अगर हमारी जगह आप होते सर, प्राइवेट नौकरी छोड़ दी सर, 2 साल से कोई काम नहीं किया सर, शिक्षक भर्ती का इंतजार किया सर, 7 साल से तैयारी कर रहे हैं सर, तो आप बताएं सर हम क्या करते सर? मैं देखता हूँ जो सर, हम लोगों के अलावा सर बिल्कुल आप विश्वास नहीं करेंगे सर, हम लोग को रोना आ रहा है सर, अब क्या बताएं सर आपको, मतलब जैसा कि आपने सुना, अब इतनी ऐसी स्थिति होने के बाद भी यदि हम लोगों का खून नहीं खोलता है तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। ये तो एक छोटी सी लड़ाई है, एक आंदोलन ही करना है, ये आंदोलन बहुत बड़ा लेवल पर सबको मिलकर के करना है, चाहे वो सब्जेक्ट विज्ञान वाले हों, चाहे वो हिंदी वाले हों, चाहे वो सोशल साइंस वाले हों, चाहे वो उर्दू वाले हों, सभी को बिल्कुल एक साथ मिलकर के आगे आना है, एक ही मंच से सबका आह्वान करना है और इस महा आंदोलन को सफल बनाना है। 20 जनवरी को भोपाल में जो है एक महा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के जो है आपके ज्ञापन वगैरह दिया जाएगा
और भी आह्वान किया जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इकट्ठे हों। और साथ ही चूंकि कोर्ट केस चल रहा है तो इसलिए फाइनेंशियल मदद भी सभी लोगों को चाहिए। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये अकाउंट नंबर है, ये सुशील मेहरा जी का है, ये इन्होंने जो है कोर्ट में केस किया था और उसमें खर्च आता है जैसा कि आप सब जानते हैं। तो आप अधिक से अधिक जितना भी फाइनेंशियल मदद कर सकें वो करें, इस अकाउंट में आप कर सकते हैं। ये सबकी भलाई के लिए है, कोई पर्सनली तो है नहीं, सभी को फायदा होगा इसका। यदि पोस्ट बढ़ जाती हैं तो बहुत से लोग शिक्षक बन जाएंगे, काफ़ी लोगों की उम्मीदें खरी हो जाएंगी ना, एक उम्मीद बन जाएगी शिक्षक बनने की, जो इनकी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, है ना। उसके बाद में यदि हम बात करें तो सभी को जो है एकजुट होकर के आगे आना पड़ेगा, एक बहुत ही बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा। अच्छा, शिक्षा मंत्री से अभी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो पोस्ट हैं ये पूरी पोस्ट नहीं निकाल पाए हैं, जितनी पोस्ट खाली थी उसका कुछ परसेंटेज ही इसमें लिया गया है। मान लीजिए कि साइंस में 100 पोस्ट थी खाली थी, है ना, इंग्लिश में 1000 पोस्ट खाली थी, या अदर सब्जेक्ट में 3000 पोस्ट खाली थी, अदर सब्जेक्ट में 10000 पोस्ट खाली थी, तो उसका कुछ परसेंटेज ही इसमें लिया गया है। मान लीजिए कि 1000 पोस्ट हैं और 10% लिया गया है तो वहां पर केवल 100 पोस्टों को लिया गया है, जहां पर 3000 पोस्ट खाली थी वहां भी 10% लिया गया है तो वहां पर जो है 300 पोस्ट को लिया गया है। इसी प्रकार से जो है पोस्ट के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से जो है वो रिक्त वैकेंसी तैयार की गई है, ऐसा उनका निकालेंगे भाई। समस्त विषय के जो पद हैं उनमें बराबर की जाए, समस्त विषय नहीं आपका हो गया भाई साहब, अतिथि क्यों रखे हैं आप सभी के, अतिथि हर विषय का रखने हजारों ले लें इनको, हजारों शिक्षक अतिथि हैं जो कार्य कर रहे हैं, तो जो आगे कहना है। लेकिन भाई आपने वैकेंसी उसके हिसाब से तो तैयार की, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि पोस्ट में परसेंटेज देखने से केवल 50, 60 और 100 ही बच रही है, तो उनका परसेंटेज हम बढ़ा भी तो सकते थे, है ना। ये सब चीज़ों की बात हमको करना है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी चूंकि उस एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है, नोटिस में लिखा हुआ है कि ये जो रिक्तियां हैं, ये जो वैकेंसीज हैं, ये परिवर्तनीय हैं, बदली जा सकती हैं, तो अभी भी इनमें कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन इसके लिए हम सब लोगों को एक मंच पर आना होगा, एक महा आंदोलन करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। तो चाहे वो साइंस वाले हों, चाहे वो हिंदी वाले हों, चाहे वो सोशल साइंस वाले हों, सभी लोग एक साथ आएँ और 20 तारीख को सभी लोग आएँ, आपस में चर्चा करें ना, गवर्नमेंट से चर्चा करें, शिक्षा मंत्री से चर्चा करें, और इस प्रकार से पोस्ट बढ़ सकती हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग भी यदि इस प्रकार का आंदोलन होता है और ये सफल हो जाता है तो वहां पर भी पोस्ट की संख्या निश्चित रूप से बढ़ करके आएंगी। विज्ञान में आरटीई रूल लागू हो जाएगा तो भी वहां से पोस्ट की संख्या बढ़ करके आएंगी। तो कम से कम इतनी तो आए कि लोगों को उतनी निराशा हाथ ना लगे। आप बताइए कि 50 पोस्ट हैं पर जितने 52-53 जिले हैं उतनी भी पोस्ट नहीं है, तो भाई ऐसी पोस्ट का क्या मतलब हुआ। 2 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट के लिए प्रयास किया, फिर भरने के लिए प्रयास किया, काउंसलिंग के लिए प्रयास किया, और नतीजा क्या रहा, बिल्कुल 0। तो सभी लोग एक साथ आएं और बढ़िया आंदोलन को सफल करें, और बिल्कुल जब तक ना माने, जब तक भूख हड़ताल करें, जब तक कि उनका काम ना हो जाए, उनकी पोस्ट में इंक्रीजिंग पोस्ट इंक्रीज ना हो जाए। इसी के साथ में धन्यवाद।